भैंसे सिर्फ शाकाहारी जानवर होने के साथ साथ सीधे जानवर नहीं होते, बल्कि ये तो वो कारनामे भी दिखा देते हैं जो कि आप नहीं सोच सकते। आज हम आपको इनके कुछ ऐसे ही खतरनाक हमले दिखाएंगे, तो चलिए देखते हैं। अगर आप इन भैंसों को भी आम भैंसों की तरह समझते हैं तो जरा रुकिए, क्योंकि ये जंगली भैंसे हैं और ये आम भैंसों के मुकाबले बहुत ही खुखार और सैल प्रवृत्ति के होते हैं, जो कि जंगल के राजा को भी कई बार धूल चटा देते हैं। लेकिन वो क्या है जिसकी वजह से ये लोग इतने खतरनाक माने जाते हैं? वो है इनका सींग, जो कि हर तरह के जंगली भैंसों के पास होते हैं। और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये पांच जानवर जंगल के सबसे खतरनाक हमलावरों में जाने जाते हैं। इनका साइज, स्पीड, अग्रेसिव बिहेवियर इनको एक किलिंग मशीन बना देता है। असल में ये शाकाहारी होते हैं, इस वजह से इनका ध्यान घास खाने पे रहता है और मांसाहारियों का इन पर। लेकिन ये मांसाहारी शायद इन भैंसों की ताकत को समझ नहीं पाते, जो कि जब अपने सींगों की ताकत से बड़ी बड़ी गाड़ियों को भी उठा पटकते हैं, फिर ये इन जैसे शिकारियों की क्या हालत कर सकते हैं, इसका अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं। लेकिन शिकारी जानवर फिर भी अपनी आदतों से बाज कहाँ आते हैं। अब जैसे कि आप इस क्लिप को ही देख लीजिए, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि एक बेबी बफेलो जो कि भागने की बजाय एक वयस्क शेर के सामने ही उसके सामने डट के खड़ा हो जाता है और डर के भागने की बजाय उस शेर के ऊपर ही अटैक कर देता है। ये बात तो आप जानते ही है कि हर बार शेर डर के भागे ये इम्पोसिबल है, जिससे जुड़ी ये क्लिप इस बात को बयां करती है। जहाँ इस पेड़ के पास इस बेबी बफेलो को देख ये शेर ने जब उसका शिकार करना चाहती है, तब बेबी बफेलो इससे दो दो हाथ करने को भी तैयार हो जाता है। लेकिन जब पहले हमले के बाद जब ये दूसरा हमला करने के लिए तैयार होता है, तो इस बार शेरनी इसे इसकी औकात याद दिला देती है। जिस तरह की ऐसी क्लिप आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जिसमें एक बेबी बफेलो को देख पेड़ के पास खड़ा ही शेर बड़े ही खामोशी से आगे बढ़ता हुआ अचानक से इस पर अटैक करके इसे मार डालता है। लेकिन जरा अपनी नजर इस फुटेज पर डालिए, जहाँ की कहानी बदलने वाली है, क्योंकि यहाँ कई भैंसे इस जंगल में झुंड बनाकर अपने खाने का मजा ले रही हैं, और अब तो जंगल का राजा भी इन्हें टारगेट बना चुका है। लेकिन जब ये लोयन यहाँ पर एंट्री लेता है, तो इसके सामने भैंसों का एक अलग ही तेवर देखने को मिलता है। जहाँ पर एक और दो भैंसे आपस में ही भिड़ रही थी, तो वहीं पर एक भैंस मिट्टी में ही अपने गुस्से को उतार रही थी, जिस वजह से शेर भी समझ जाता है क्यों ना इनके ऊपर हमला करने के बजाय इसके बच्चे पर टारगेट किया जाए। तो फिर क्या था, ये इसी इरादे से बेबी बफेलो को टारगेट बनाकर उसके ऊपर हमला करने के लिए निकल जाता है, जिसका सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर और भी शेर आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर ये भैंसे निकलने की तैयारी में थी, पर शेर भी ये मौका छोड़ना नहीं चाहते थे, जिस वजह से भागते हुए भैंसों के पीछे शेर दौड़ पड़ते हैं और एक बेबी बफेलो को धर दबोचते हैं। हालांकि बेबी बफेलो के शिकार बनते ही एक बफेलो इनके ऊपर हमला करके इनके चंगुल से छुड़ा देता है, पर यहाँ पर शेर थे कि जो कि मानने को तैयार ही नहीं थे और भैंस के बच्चे को अपना शिकार बनाने के लिए बार बार कोशिश किए जा रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर सभी भैंसे एकजुट होकर खड़ी हो जाती हैं, जिस वजह से शेरों की दाल यहाँ पर गल नहीं पाती, और ऐसा ही इस क्लिप में भी होता है। खैर यहाँ पर तो एक बेबी बफेलो शेर के जबड़ों में फंस चुका था, लगभग वो दम तोड़ने ही वाला था, तभी एक भैंस शेर के ऊपर हमला करती है और दूसरी तो इसे यहाँ से खदेड़ भगाती है। इस क्लिप में कई शेर मिलकर एक मॉनिटर लिजार्ड को मारने के प्लान में आ चुके थे, जो कि मॉनिटर लिजार्ड को मार ही रहे थे, तभी यहाँ पर एक जंगली भैंसा पहुँच जाता है और पहुँचते ही न जाने क्यों शेरों पर परस पड़ता है। इस बीच तो ये एक शेर को हवा में ही उछाल देता है,